नमस्कार, मैं वास्तु कंसल्टेंट हानी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आरक्यूब एटलियर में, जहाँ आपको वास्तु से संबंधित, आर्किटेक्चर से संबंधित, इंटीरियर डिजाइनर से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आएंगी। चलिए आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो कि है सेम मुखी, जो हमारा है घर, जो हमारा प्लान है, प्लॉट रहता है, उसमें कुछ रेमेडीज के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने सिंहमुखी के बारे में बताया था और भी बहुत सारी बातें बताई थी, तो आज हम थोड़ा सा सिंहमुखी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारा प्लॉट है वो हमें क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए प्लॉट खरीदते समय, या कौन सा प्लॉट शुभ रहता है या कौन सा प्लॉट अशुभ फल देता है, तो ये सब जानकारियां आज हम यूट्यूब के माध्यम से आपके आपके पास हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज हम ये जानकारी आपके लिए लाई हूँ, जो सिंहमुखी प्लॉट है उसमें जो रेमेडी आती है, हमारे एक व्यूअर ने और हमारे कुछ क्लाइंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि सिंहमुखी है और हमारे साउथ फेसिंग डोर है तो उसके लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो रेमेडी होती है वो ये रहती है कि आपके यहाँ पे जो आम के पत्ते और ये अशोक का जो पत्ता रहता है उसका बंदरबान बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ फल देता है अगर आप उसे मेन गेट पे अपने लगाते हैं। लेकिन इसमें सावधानी ये आपको बरतनी चाहिए कि ये 20 से 25 दिन में आपको चेंज कर लेना होता है, फिर आप दूसरे दोबारा लेकर आइए और दोबारा लगाइए। ये आपकी नेगेटिव ऊर्जा को बहुत दूर करता है, घर में नेगेटिव एनर्जी के प्रवेश को वर्जित करता है। इसके साथ साथ आप सेकंड रेमेडी की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घोड़े की नाल, एक घोड़े की नाल आती है वो यू शेप में अगर आप अपने गेट के बाहर लगाते हैं तो वो भी आपके एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा। साउथ का द्वार, देखिए जो साउथ का द्वार है उसको हम यम के द्वार से भी जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग साउथ के द्वार देते ही नहीं है। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट साउथ का द्वार बहुत मना करते हैं, बट ये साउथ का द्वार सबके लिए अशुभ फल नहीं देता है। ये क्या रहता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, तो कहीं कहीं देखा गया है कि बिजनेसमैन फील्ड में थोड़ा वो पूरा हमें प्लॉट की जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से बहुत ही शुभ फल देता है कहीं कहाँ साउथ का फल। बट उसकी फिर हमें दशा देखनी पड़ती है, उसमें देखना पड़ता है कि साउथ का द्वार कौन से हमारे भाग में आ रहा है, कौन से पद में उसको हम लेकर आए हैं, वहाँ हम साउथ का द्वार दे सकते हैं। तो हम जान लेते हैं अब आगे कि कौन सा प्लॉट में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए प्लॉट लेते समय। तो हम जानते हैं आपको कोई भी प्लॉट अगर यहाँ पे जैसे कोई मरगट है या फिर कोई जगह है जहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जीज का अनुभव हो रहा है, पीपल की पेड़ की छाया आपके प्लॉट पे नहीं पड़नी चाहिए, हॉस्पिटल आसपास बिल्कुल बगल में नहीं होना चाहिए, तो ये क्या रहता है कि इनकी अगर छाया आपके पास पड़ती है तो दुर्गति आती है, साथ में बीमारियां आती हैं और आप प्रगति के मार्ग पर चलते तो हैं पर इतनी आपको आसानी से, आपकी लाइफ सरल नहीं होती है, आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ऐसा प्लॉट लेते समय। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी नेगेटिविटी वाले प्लॉट को, ये आपको खुद भी अनुभव हो जाएगा जब आप किसी प्लॉट को देखेंगे तो आपको खुद भी अंदर से एक चीज महसूस होगी कि हाँ ये प्लॉट मेरे लिए अच्छा है, या मुझे यहाँ बैठ के यहाँ पे खड़े होके बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। इसके लिए अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो वो क्या है, सॉइल टेस्टिंग रहती है इसमें वास्तु में, उसके भी एक बहुत अच्छा तरीका रहता है किसी भी भूमि को देखने का कि वो हमें शुभ फल देगी अशुभ फल देगी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस प्लॉट में हड्डियाँ और ये सब चीज़ें ना हो। ये कभी कभार जानवर मर जाते हैं और लोग क्या करते हैं उन्हें ऐसे फेंक जाते हैं नॉर्मल प्लॉट में और आप उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो जब आप प्लॉट बनाते हैं तो कई कभार देखा गया है कि उन लोगों की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो परेशान करती हैं लोगों को घरों में और बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है और लोगों के काम बनने बिगड़ने शुरू हो जाते हैं उस घर में आते ही। तो ये ऐसा देखा गया है कि ये सब चीज़ों को मापने के लिए भी वास्तु कंसल्टेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो सोच समझ के एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से अपने प्लॉट का निवारण कराएं और फिर आगे बढ़ें, अपने घर का निर्माण कराएं।
उसके बाद अगर आपका जो प्लॉट है या नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में कोई घर बना हुआ है जो आपके प्लॉट से ऊंचा है और सूर्य की रोशनी आपके प्लॉट में नहीं पड़ रही है, तो ये देखा गया है कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर को घेर रखेगी, क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा है वो एक प्रकाश की ऊर्जा है और प्रकाश हमारी नेगेटिव एनर्जी को कम करने में बहुत ही सहायता करता है। ऐसा आपने सुना भी होगा कि 15 से 20 मिनट अगर हमें सुबह की धूप की अगर हम अपनी शरीर पे डालते हैं तो इससे हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारे अंदर से कीटाणुओं का नाश होता है, हमारा शरीर ऊर्जावान होता है। तो ये सब इसलिए सेम ये हमारे घर पे अप्लाइड होता है, क्योंकि घर एक हमारे वास्तु पुरुष का घर है जिसमें हमारे वास्तु पुरुष निवास करते हैं। तो ऐसा ही ऐसी सेम प्रतिक्रिया हमारे घर के साथ भी होती है। अगर प्रकाश हमारे घर पे पड़ेगा तो वैसे ही बहुत सारे वास्तु जो दोष है उसका बहुत सारी पार्ट हमारा वैसे ही दूर हो जाएगा। और एक बात और मेरे दर्शकों ध्यान रखिए कि अगर आप स्वास्तिक का चिन्ह अपने मुख्य द्वार पे लगाते हैं तो वो आपके वास्तु दोष को या नेगेटिव एनर्जी को आपके घर से कोसों दूर रखता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आपको कौन सा प्लॉट शुभदायक होगा। अगर आपके प्लॉट के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में कोई पानी का स्रोत है या कोई हैंडपंप है या कोई नदी है या कोई तालाब है तो ये प्लॉट बहुत ही शुभ फल देता है। ऐसा प्लॉट माना जाता है कि बहुत शुभ फल प्रगति देता है, उन्नति देता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है, स्वास्थ्य में लोगों को बहुत जल्दी से जिनकी जो भी बीमारियां होती हैं वो दूर होने लगती हैं। ऐसा प्लॉट बहुत ही शुभ फल देता है अगर आप उसको लेते हैं और एक भ्रमण का निर्माण कराते हैं, भ्रमण का निर्माण करते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल देगा आपको। तो दर्शकों आज और एक महत्वपूर्ण बात, साउथ वेस्ट में कोई पानी का स्रोत हो या ईस्ट में हो तो ऐसे प्लॉट से ऐसे भवन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये जो ईस्ट का द्वार होता है ये होता है अग्नि का द्वार, और अगर हम अग्नि में अगर हम जल रख देंगे तो हमारी सारी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी और हमारे शरीर में भी बहुत ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और मैं आने वाले वीडियोस में और ज्यादा स्पष्ट तरीके से आप लोगों के सामने ये सारे अग्नि कोण, वायु कोण, पृथ्वी कोण, जल तत्व, ये सारा मैं आपसे आगे भी डिस्कस करती रहूंगी। तो आज मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिएगा ताकि लोग और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।